हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एमर्जेंस ऑफ महाजन पदास और उसके अलावा जो मगध जो साम्राज्य का जो ओरिजिन हुआ उसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से करोगे और अगर इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से प्रैक्टिस में लगा लिया तो मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको एक अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर करवा देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब आज जो है टॉपिक कि लास्ट दो क्लासेस में हमने एक तो प्री हिस्टोरिक पीरियड किया, उसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में किया, वैदिक कल्चर के बारे में किया। आज हम लोग करने जा रहे हैं महाजन पदास, और इसका जो पहला क्वेश्चन है महाजन पदास का, इसको करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भारतीय इतिहास में जो लगभग छः बीसी यानी सिक्स शताब्दी पूर्व या छठी शताब्दी पूर्व जो भारतवर्ष जो है 16 महाजन पदास में बटा हुआ था, 16 पार्ट्स में बटा हुआ था। थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। महाजन पदास में बटा हुआ था, 16 पार्ट्स में बटा हुआ था, ठीक है। और अगर आप बात करें बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, ठीक है ना, बुद्धिस्ट एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। इस अंगुत्तर निकाय में हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय 16 महाजनपद थे और ये दो प्रकार के थे। एक में क्या था, एक में मोनार्की थी, ठीक है ना, यानी राजतंत्र चलता था, और दूसरे में रिपब्लिक यानी डेमोक्रेसी चलती थी। रिपब्लिक गणतंत्र था, लोगों के द्वारा सारा निर्णय लिया जाता था, रिपब्लिक। और अगर आप बात करें दो ऐसे राज्य थे जो गणतंत्र थे यानी रिपब्लिक थे। एक का नाम क्या था, एक का नाम था वज्जी और एक का नाम क्या था, एक का नाम आप सभी ने बताना बेटा, वज्जी के अलावा मल्ल, ठीक है। एक का नाम वज्जी था, एक मल था, दो रिपब्लिक थे। तो मैं आपको बता दूं छठी शताब्दी पूर्व अपना जो इतिहास में अगर आप बात करें पूरा एरिया 16 महाजन पदास में 16 पार्ट्स में बटा हुआ था, और ये जानकारी बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से अपने को मिलती है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि दो पार्ट्स थे, एक मोनार्की था, एक रिपब्लिक था, और रिपब्लिक सिर्फ किस में था, वज्जी और मल में था, बाकी सारे अगर आप बात करें मोनार्की चलती थी। और वैसे पाणिनी एक बड़े अच्छे हुए हैं, और पाणिनी ने अष्टाध्यायी लिखी, उसमें सिर्फ 22 महाजन पदास का वर्णन मिलता है, लेकिन 16 स्वीकार्य है, 16 के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानने को मिलता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर एक पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एंशियंट सिटी ऑफ चंपा। 16 महाजनपद थे, उनमें अलग अलग मतलब सिटी थी, अलग अलग सिस्टम था। एक चंपा सिटी थी, और आपने बताना सर ये किस महाजनपद की राजधानी थी, चंपा जो है ये किस महाजन की पद की राजधानी थी। तो आपने बताना सर अंग महाजनपद, ठीक है। कौन सा महाजनपद था, अंग, सबसे पहला जो महाजनपद था वो अंग था, और अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। और ये कहाँ पर बेटा, बिहार में है, ठीक है, ये आज के टाइम में बिहार में है। और अगर क्वेश्चन आएगी बताइए सर ये चंपा जो है ये कहाँ की राजधानी थी, तो आपने अंगा की राजधानी बताना, और पहला महाजनपद तक क्या था, अंग था। उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाओ, हाउ मेनी ग्रेट पावर्स यानी महाजनपद, कितने महाजनपद थे, तो आपने बताना सर टोटल महाजनपद थे 16, ठीक है। कितने महाजनपद थे टोटल 16, और सबसे पहला कौन सा था, अंग, सबसे पहला कौन सा था, अंग। राजधानी क्या थी अंग की, आपने बताना चंपा, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। दूसरा कौन सा था, मगध, ठीक है, दूसरा कौन सा था, मगध, और मगध की राजधानी क्या थी बेटा, तो आपने बताना सर राजगीर, ठीक है ना, क्या राजधानी थी, राजगीर। मगध की राजधानी क्या थी, तो आपने बताना राजगीर, या राजगीर को क्या कहा जाता है, गिरिवरज कहा जाता है, गिरिवरज, राजगीर को गिरिवरज कहा जाता है, गिरिवरज, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा महाजनपद था, काशी, मगध के अलावा काशी था, और काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी, ठीक है ना, तभी तो काशी कहा जाता है वाराणसी। उसके अलावा वत्सा एक था बेटा, वत्सा, और वत्सा की राजधानी क्या थी, कौसाम्बी, कौसाम्बी ये राजधानी थी। तो इस प्रकार से टोटल अगर आप बात करें 16 महाजनपद थे, ठीक है ना, 16 महाजनपद थे, ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, रूलर्स ऑफ महाजनपद इन एंशियंट इंडिया कलेक्टेड अ टैक्स, और उस टैक्स को कहा जाता था भाग, यानी भागा या मतलब पार्ट्स, भाग या हिस्सा, ठीक है। महाजनपद के जो रूलर्स थे वो भाग इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, जिसको भाग कहा जाता था। और किससे इकट्ठा किया जाता था, तो आपने बताना है फार्मर्स, ठीक है। ये किससे इकट्ठा किया जाता था, फार्मर्स। महाजनपद 16 थे और उनके रूलर्स टैक्स इकट्ठा किया करते थे, जिसको भाग कहा जाता था। और इस भाग को किससे इकट्ठा किया जाता था, फार्मर से, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा फार्मर्स यानी किसान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट्स एंड एग्जिस्टेड इन द 7th and 6th centuries। अब आपने बताना है सर कौन सा मोनार्कियल नहीं था, यानी जहाँ पर मोनार्की नहीं चलती थी, ठीक है ना। कौन, जहाँ पर मोनार्की नहीं चलती थी वो आपने बताना सर। तो आपको मैं बता दूँ कि मतलब वाजी जो था, वाजी, ठीक है, और जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। मैंने आपको बताया दो ऐसी जगह थी, एक का नाम था वाजी और एक का नाम था मल्ल, ठीक है। एक का नाम था वाजी और एक का नाम क्या था, वल, ठीक है। तो याद रखना जो वाजी है, वाजी ये वैशाली जो है इसी का पार्ट था। तो याद रखना कि कौन सा ऐसा एरिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्किकल स्टेट दैट एग्जिस्टेड इन द 7th and 6th century। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा दो नंबर, हाँ जी। तो यहाँ पर कोई मोनार्की नहीं थी बेटा, तो इसका जवाब क्या, और वैशाली जो है ये राजधानी कहाँ की थी बेटा, वाजी महाजनपद की थी उस समय, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या नंबर आएगा, दो नंबर, आपको समझ भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ, 16 में से तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं तक्षशिला जो थी ना, ये राजधानी कहाँ की थी बेटा, तो आप सभी ने बताना था तक्षशिला राजधानी थी गंधार, ठीक है। तक्षशिला राजधानी कहाँ की थी, गंधार की राजधानी थी। और अब कई बार गंधार का पूछा जाता है, आधुनिक अफगानिस्तान का जो पूर्वी भाग है ना, आज जो अफगानिस्तान है उसका पूर्वी भाग जो है वो क्या कहलाता था, गंधार कहलाता था। और इसकी राजधानी का नाम क्या था, तक्षशिला, ठीक है। इसकी राजधानी का नाम क्या था, आपने बताना है तक्षशिला, ऐसे लिख लो चाहे कैसे लिख लो, तक्षशिला इसका जवाब आएगा, और जवाब आएगा चार नंबर। अच्छा, विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब अबाउट 16 महाजनपद। अब आपने बताना सर कौन सा ऐसा लेख है, कौन सी ऐसी किताब है जो हमें 16 महाजनपद के बारे में बताती है। तो आपने, मैंने आपको अंगुत्तर निकाय बताया था, ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय। तो आपने बताना सर अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपद के बारे में अपने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। और जैन टेक्स्ट पूछे आपको भगवती सूत्र बताना, अगर जैन टेक्स्ट पूछे कि कौन से जैन टेक्स्ट में ये मिलता है, तो आपने बताना सर जैन टेक्स्ट का नाम है भगवती, भगवती सूत्र, ये याद रखना सारे, भगवती सूत्र। आगे बढ़े, निचली राजगृह एंड प्राकिट नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर, राजगीर का, राजगीर जो है वो कहाँ पे आज के टाइम में, तो बिहार में है। सीधा सा क्वेश्चन है, आपको राजगीर पूछे तो राजगीर कहाँ बताना, आप सभी ने बिहार में बताना है, एक बात है। इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा राजगीर, और राजगीर कहाँ पर बेटा, बिहार के अंदर है। तो जवाब इसका क्या लगा दोगे, चार नंबर, ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद में नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन थे सारे के सारे मगध, ये सारे के सारे महाजनपद आज के बारे में क्वेश्चन थे। अब जो बात आती है मगध की बात आती है, ठीक है ना, अब जो बात आती है मगध की बात आती है, और मगध के बारे में जो जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को रीड करो और पहले करने का प्रयास करो। हाँ जी, सबसे पहली बात, जो मगध है ना, इसका सबसे पहले जो अपने को मिलता है ना लेख, वो मिलता है दो वेदों के अंदर। कौन कौन से दो वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनमें इसका हमें जिक्र मिलता है। और मगध जो साम्राज्य की स्थापना बृहदर्थ नामक एक आदमी ने करी थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या, किंग अजात शत्रु वॉज अ रूलर ऑफ डैश डायनेस्टी। आपने बताना मगध पे जो है एक राज किया था राजा ने, जिसका नाम था अजात शत्रु, ठीक है। इसका नाम क्या था बेटा, अजात शत्रु इसका नाम था। अब आपने बताना सर ये जो अजात शत्रु है, ठीक है, ये किस वंश का राजा था। तो आपने बताना सर अजात शत्रु जो राजा था, ये जिस वंश का था उस वंश को क्या कहा जाता है, उस वंश को कहा जाता है हर्यक वंश, ठीक है, जवाब आएगा एक नंबर। बिंबिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, आपने बताना है अजात शत्रु का बेटा बिंबिसार, तो जवाब इसका क्या आएगा,
बिंबिसार भी किस वंश का राजा था? तो आपने बताना सर हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो है इसको अगर आप बात करें बहुत फेमस राजा हुआ है हर्यक वंश का, ठीक है ना, तो इसका जवाब आएगा बिंबिसार। उसके बाद में द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यक डायनेस्टी वॉज, पहला राजा कौन था मतलब इस वंश का, हर्यक वंश का पहला राजा, तो ये क्वेश्चन कभी भी आए आपको तो आपने बताना सर बिंबिसार। पहला राजा कौन था बेटा? बिंबिसार था, याद रखना सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, अजात शत्रु वॉज द सन ऑफ, तो आपने बताना सर अजात शत्रु किसका बेटा था? अजात शत्रु बेटा था बिंबिसार का, शायद मैं आपको उधर उल्टा बता गया, अजात शत्रु जो है ये बेटा था बिंबिसार का, तो याद रखना इसका जवाब क्या आएगा, बिंबिसार आएगा, 3 नंबर इसका जवाब आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ जी, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं, अजात शत्रु रूलर था हर्यक वंश का और ये किसका बेटा था? अब अजात शत्रु पूछा है किसका बेटा था, तो नॉर्मली सी बात है इसका जवाब मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। द फेमस फिजिशियन जिसका नाम था जीवक वॉज अपॉइंटेड इन द कोर्ट ऑफ, एक बहुत बड़ा फिजिशियन था डॉक्टर था जिसका नाम क्या था? जीवक। और जीवक जो था एक रॉयल फिजिशियन था किसका बेटा? बिंबिसार का। ठीक है, किसका था? बिंबिसार का था, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 2 नंबर। हु वॉज कॉल्ड, ये क्या है बेटा, अग्रमास या ये संड्रमास बाय ग्रीक राइटर्स? अब आपने बताना है सर ग्रीक जो राइटर्स थे इसके द्वारा अग्रमास और जेंड्रमास किसको कहा गया? तो आपने बताना सर ये कहा गया धनानंद को। ये किसको कहा गया? धनानंद जो राष्ट्र लास्ट रूलर था नंदवंश का। ठीक है, और इसको क्या कहा गया? अग्रमेश कहा गया और इसको जेंड्रमेश कहा गया किसके द्वारा? आपने बताना सर ये कहा गया ग्रीक लोगों के द्वारा, तो जवाब आएगा इसका धनानंद, या इसको सिकंदर के टाइम, सिकंदर इसके टाइम में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदवंश, नंदवंश का फाउंडर कौन था? तो आप सभी ने बताना सर महापद्म नंद। ठीक है, नंदवंश हुआ है, ये मैं सिर्फ आपको सिलेबस नहीं करवा रहा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। महाजन पद जो है ना उसमें अगर आप बात करें मगध वंश, मगध को पढ़ रहे हैं आप, और मगध पर अलग अलग वंश ने राज किया, और मगध पर जिन जिन वंश ने राज किया उसमें बहुत सारे लोग हैं, और उसमें नंदवंश आया था, नंदवंश के संस्थापक का नाम है महापद्म नंद बेटा, तो याद रखना इसका जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं महापद्म नंद के बाद में, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी, नंद वंश का आखिरी राजा कौन था? तो आप सभी ने बताना है धनानंद, जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, तो जवाब आएगा धनानंद। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट रूल द मगध एम्पायर, इसमें से किस वंश ने मगध पे राज नहीं किया? तो आप सभी ने बताना सर गुप्त डायनेस्टी, इस वंश ने राज नहीं किया, तो आपने बताना सर गुप्त डायनेस्टी ने राज नहीं किया, तो इसका जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा इसका 3 नंबर। ठीक है, 6 वंश ने राज किया टोटल, जिसमें वृहद वंश था, हर्यक वंश था, शिशु नाग था, नंद वंश था और मौर्य वंश था। ठीक है ना, तो गुप्त डायनेस्टी ने राज नहीं किया, तो इसका जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा इसका 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डज नॉट बिलोंग टू द मगध एम्पायर, इसमें से कौन सा राजा ऐसा है जो मगध वंश से बिलोंग नहीं करता? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा राजा जो मगध वंश से राज बिलोंग नहीं करता? बिंबिसार, बिंबिसार आपको पता है मगध वंश का राजा था, अजात शत्रु ये भी राजा था, उसके अलावा महापद्म नंद ये भी राजा था, लेकिन राजा धीराज ये नहीं था। ठीक है ना, राजा धीराज ये चोल वंश का राजा था, राजा धीराज ये चोल वंश का राजा था। ठीक है ना, दक्षिण भारत का वंश था चोल वंश, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा बेटा 3 नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वाइल मगध वॉज अ पावरफुल महाजनपदास बाजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज, अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि जब मगध वॉज अ पार बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मगध महाजनपद था, मगध बाजी इसकी बाजी की राजधानी क्या थी? वैशाली, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज, तो वहाँ की जो सरकार थी वो क्या कहलाती? ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा बेटा गण कहलाती थी, संघ कहलाती थी, तो इसका जवाब गण और संघ आएगा। आगे बढ़ते हैं, इन द फोर्थ एंड फिफ्थ, इन द फोर्थ सेंचुरी BCE द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू, अब आपने बताना है सर मगध की राजधानी को शिफ्ट किया गया कहाँ से कहाँ? तो मैं आपको बता दूं ओल्ड नेम ऑफ पटना, ठीक है ना, इसका जवाब क्या आएगा? पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जो है ना अगर बात करें द ओल्ड नेम ऑफ पटना जिसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र, एम्परर अजात शत्रु के सक्सेसर उदयन के द्वारा,
अजातशत्रु का जो सक्सेसर है उदयन, उसके द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है कैपिटल राजगृह से कहाँ पर, पाटलिपुत्र। पहले राजधानी क्या थी, मगध की, राजगृह। अब राजधानी क्या है इसकी, तो अब राजधानी इसकी पाटलिपुत्र। अब बढ़ते कलिंगाज किंग खारवेला, कलिंगा का राजा कौन था, कलिंगाज के टाइम का उड़ीसा है, इसके राजा का नाम क्या था, खारवेला। वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, ये किस वंश का राजा था, तो आपने बताना सर ये किस वंश का राजा था, तो आप सभी ने क्या बताना है, महा मेगा वाहना डायनेस्टी। ठीक है, महा आपने बताना, महा मेगा वाहना डायनेस्टी, ठीक है याद रखना, आपने बताना महा मेगा वाहना वाहना डायनेस्टी, और यहाँ का राजा था खारवेल, और इसका जवाब क्या नंबर आएगा, एक नंबर आएगा, कलिंगा उड़ीसा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द, आगे देखो, विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया टू यूज एलिफेंट इन इट्स वॉर ऑन अ लार्ज स्केल, किसने हाथियों को बड़े स्केल पे यूज किया, ठीक है ना, तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा मगध। आपने बताना 16 महाजनपदाज में जो मगध है ना काफी स्ट्रोंग था, और फर्स्ट एंशियंट किंगडम जिसने युद्ध के अंदर हाथियों का प्रयोग किया, ठीक है ना, और इसमें सबसे पहले किंग जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने मगध जो एम्पायर है उसको एक्सपेंशन शुरू किया था, और उसके पास 9,000 हाथी, बताते हैं 9,000 हाथी, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास के अंदर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैनिज्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, चलो जैनिज्म आज कर ही लेते हैं। इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकर, अब आपने बताना सर वो इंडियन धर्म जिसमें 24 तीर्थंकर हुए, तो सबको पता है जैनिज्म, और 24वें तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी, और फर्स्ट कौन हुए बेटा, फर्स्ट का नाम था ऋषभ देव या आदिनाथ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, पहले तीर्थंकर का नाम क्या था, तो आपने बताना सर इसका जवाब था ऋषभ देव या आदिनाथ, अजीतनाथ नहीं बेटा, आदिनाथ, ठीक है बहुत बढ़िया। इसका जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप एनुअली सेलिब्रेट द पर्युषण पर्व और सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड अपलिफ्ट बाय अडेरिंग ऑफ 10 यूनिवर्सल वर्च्यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा रिलीजियस ग्रुप एनुअली से सेलिब्रेट करता है, क्या बेटा, तो एक फेस्टिवल है, पर्व है, जिसको क्या बोला जाता है, पर्युषण पर्व, और सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड अपलिफ्ट, अपने आप को ऊंचा उठाना, इसका जवाब क्या आएगा, जैनिज्म। इसका जवाब क्या आएगा बेटा, इसका जवाब आएगा जैनिज्म। उसके बाद में आगे क्वेश्चन देखो, लॉर्ड महावीरा वॉज बोर्न इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ वो आप सभी ने बताना है कहाँ पर हुआ, वैशाली में हुआ, कुंडग्राम के पास, कुंडग्राम में हुआ, और कुंडग्राम वैशाली के पास है, और ये कहाँ पर है बेटा, ये है बेटा आपका बिहार के अंदर, ठीक है, ये कहां पर है आपने बिहार में बताना है, ठीक है, उम्मीद है ये बता पाओगे आप सारे। ऑप्शन क्या नंबर आएगा, 4 नंबर। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, मदर का नाम था त्रिशला, ठीक है ना, इनकी मैरिज यशोदा से होती है, और इनकी एक डॉटर है जिसका नाम प्रियदर्शना, ठीक है ना, और इनकी डेथ पावापुरी में होती है, और ये सारी इनकी डिटेल है। आगे बात करते हैं, संतारा एक रिलीजियस रिचुअल ऑफ कम्युनिटी, अब क्वेश्चन बड़ा है कि संतारा एक रिलीजियस रिचुअल है, एक मतलब परंपरा है, जिसको सम्मेलना बोला जाता है, सम्मेलना, और इसको सालेखना भी बोला जाता है, तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा जैनिज्म, या 3 नंबर जैन, या संथारा ये जैन के अंदर एक रिचुअल है, जवाब आएगा 3 नंबर। विद विच रिलीजन इज केवल्या एसोसिएटेड, केवल्या क्या होता है आप सभी जानते हैं, केवल्या किसको कहा जाता है, तो नॉर्मली बात है केवल्या जो है जैनिज्म से रिलेटेड है, और एनलाइटमेंट को केवल्या कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति को केवल्या कहा जाता है, जवाब आएगा जैनिज्म। अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेट बुक्स, वो टर्म बता दो जो जैनिज्म जो लोग है अपने धार्मिक ग्रंथों के लिए यूज करते हैं, तो जवाब इसका क्या आएगा, अंगाज, ठीक है, इसका जवाब क्या आएगा, अंगाज आएगा, और जवाब आएगा क्या नंबर, 2 नंबर, ठीक है बहुत अच्छे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरिनो टेम्पल एट रणकपुर इज आ जैन टेम्पल, रणकपुर आपको पता राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, रणकपुर राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर जैन टेम्पल है, ठीक है ना, जिसको चतुर्भुज टेम्पल भी कहा जाता है, और ये राणा कुंभा के टाइम में बना था, और आपने बताना सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल है, और ये फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ को डेडिकेट है,
ठीक है ना, ऋषभनाथ को टैटी गेट है, बड़ा अच्छा टेम्पल है। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज एज द बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर। अब आपने बताना है सर, वो होली सिटी बता दो जो बर्थ प्लेस है किसका, पहले और चौथे जैन तीर्थंकर का, तो इसका जवाब क्या आएगा। हाँ जी, नेम द होली सिटी, तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा अयोध्या। ठीक है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, ये ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, ठीक है ना। और अगर बात करें इसके फोर्थ तीर्थंकर जो थे, जिनका नाम क्या था, अभिनंदन नाथ, ठीक है ना। इसके जो चौथे तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, अभिनंदानाथ, अभिनंदानाथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स, ठीक है ना, वो जैन में जो जीन GINA है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कॉन्करर यानी विजेता, ठीक है, जीतने वाला, मन के जितने भी संताप है उनको जीतने वाला, मन को जीतने वाला। टीचिंग ऑफ महावीरा विच वर रिटन अबाउट 1500 ईयर्स अगो आर करेंटली प्रेजेंट एट विच प्लेस। अब आपने बताना है महावीर की जो टीचिंग्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो आपने बताना है, तो वो प्रेजेंट आपके कहाँ पे है, तो सभी ने बताना सिर्फ प्रेजेंट है कहाँ पर, बताओ जरा सारे, वल्लभी, और वल्लभी कहाँ पर है, तो आपने बताना सर वल्लभी है आपके गुजरात के अंदर, ठीक है, वल्लभी कहाँ पर है गुजरात में, जवाब आएगा 3 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द सोन बंदर केव्स लोकेटेड। सोन ये बंदर जो लेक है ये कहाँ पर, सॉरी केव कहाँ पर है, तो ये केव आपने बताना बिहार में है, ठीक है ना। सोन भंडार जो केव है ये बिहार के अंदर है, और ये केव जो है जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो इसका जवाब क्या आएगा, ये केव जो रिलेटेड है जैनिज्म से, जवाब आएगा बिहार, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर बहुत सारे MCQ अपन की, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, और देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से MCQ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सारी क्लास आपको अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ रहे।